इस वीडियो में हमें एक आइसोसेलीस ट्रायंगल दिया गया है और हमें साबित करना है कि एंगल ABC यानी ये वाला एंगल, एंगल ACB यानी ACB ये वाले एंगल के बराबर है। अब चूंकि ये एक आइसोसेलीस ट्रायंगल है तो हम ये जानते हैं कि दोनों एंगल्स के मुकाबल वाली साइड, मुकाबल वाले अजला एक दूसरे के बराबर होंगे और ये दोनों एंगल बराबर हैं। तो अब इस बात को साबित करने के लिए, चूंकि ये दोनों अजला बराबर हैं तो अगर हम ए से एक खत लाइन बी सी पे गिराएं तो ये लाइन ऐसी होगी जो बी सी को बराबर के टुकड़ों में तकसीम कर देगी या बाइसेक्ट कर देगी। ऐसा करने से हुआ क्या, हमारी मालूमात में इजाफा हुआ है। देखें भाई, ये तो हमें पता था ए बी यानी ये साइड ए सी के बराबर है, ये सवाल में ही दिया हुआ है। फिर हमने जब ये खत यहां पे गिराया, इस पॉइंट को अगर मैं नाम दूं डी, तो इससे ये हुआ कि भाई बी डी बराबर है डी सी के, और चूंकि ये ए डी इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल दोनों में कॉमन है, दोनों में मौजूद है, तो ए डी दोनों के लिए बराबर है। ए डी इज इक्वल टू ए डी, तो ये वाली साइड, ये वाली साइड्स और ये वाली साइड्स आपस में बराबर हैं। तो अब आप चूंकि देख सकते हैं कि तीनों अजला बराबर हैं, लिहाजा एस 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 प्रॉपर्टी या क्राइटेरिया के तहत, लिहाजा ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे। अच्छा, हम इसी चीज का उलट भी कर सकते हैं, यानी अगर हमें साबित करना हो कि एंगल नहीं, साइड ए बी साइड बी सी के बराबर है, तो हम यही करेंगे कि ए से एक खत गिराएंगे जो बी सी को बाइसेक्ट कर दे, दो बराबर के हिस्सों में तकसीम कर दे, और ये वाली साइड बी सी के परपेंडिकुलर होगी, यहां भी और यहां भी। ऐसा करने से हमारे पास दो आयमोज़ाविया मुसल्लस यानी राइट एंगल ट्राइंगल्स बन जाते हैं। अब अगर ए बी और बी सी को बराबर होना है तो ये तो हमें सवाल में ही बताया गया है कि एंगल ए बी सी एंगल ए सी बी के बराबर है, और जो हमने एक परपेंडिकुलर गिराया है उसके जरिए हमें यह पता है कि ये एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी दोनों बराबर हैं 90 डिग्रीज, और फिर यह भी आपने देखा कि ए डी और ए डी चूंकि दोनों ट्राइंगल्स में, दोनों मुसलसों में बराबर हैं, लिहाजा ये भी है। तो ये क्या हुआ भाई, एंगल एंगल साइड, ये वाली खसूसियत के तहत जिसको ए ए एस क्राइटेरिया भी कहा जाता है, इसको ए एस ए भी कहा जा सकता है, इस क्राइटेरिया के तहत चूंकि ये मुवाफिक ट्राइंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, लिहाजा ये साइड ए बी बी सी के बराबर होगी इस प्रॉपर्टी के तहत।